नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में है मिस्टर नौशाद, जो कि इसका बेटा यानी पोकलैंड सीखने हमारे पास में बंगाल से आए थे। अपने बारे बताएंगे, अपने पापा के बारे, अपने एड्रेस बताएंगे और हमारे पास से कोर्स करके उनका अनुभव कैसा रहा वो बताएंगे। बताइए दर्शकों। हाय फ्रेंड, माय नेम इज एमडी नौशाद आलम, माय फादर नेम इज एमडी अली राजा, मैं कोलकाता से आया हूँ। नौशाद साहब, जब आप हमारे पास में पहली बार आए ट्रेनिंग के लिए, तो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे आपको कैसे पता चला? मेरा फ्रेंड एक था, वो दिया आपका नंबर, बोला इस वेलफेयर इंस्टीट्यूट में चले जाओ, अच्छा है, वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग अच्छे से होता है, ऐसा कहा आपको, है ना? हाँ। तो जो आपको कहा उन्होंने कि अच्छी ट्रेनिंग होती है, रहना फ्री मिलता है, जॉब प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है, अच्छा थ्योरी, अच्छा प्रैक्टिकल मिलता है, वैसे ही आपको मिला या नहीं मिला? जी सर मिला। थ्योरी वाले सर आपको कैसा पढ़ाते थे, उनके बारे में बताइएगा कुछ? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जैसे कि आप दर्शक जानते हैं कि डायग्राम बना के, चित्र बना के पढ़ाते हैं, डिजिटल डिस्प्ले है, व्हाइट बोर्ड भी है, कॉपी भी बना बना के नक्शा पढ़ाते हैं, है ना? जी सर। वैसे पढ़ाए आपको? जी। उनसे पढ़ने के बाद आत्मविश्वास आया, आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं? जी सर। कोई भी इंटरव्यू, देश हाँ। का हो या विदेश का हो, है ना? हाँ, कर सकते हैं। ओके। दर्शक, आप जो हमारे थ्री वाले सर को स्क्रीन पर देख रहे हो, बिल्कुल नागा नहीं करते, बड़े प्यार से एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाएंगे कोई भी इंटरव्यू आराम से पास कर जाएंगे। आइए नौशाद जी से पूछते हैं कि इनको प्रैक्टिकल कैसा मिला? प्रैक्टिकल आपको एक्सकवेटर मशीन चलाने मिली या फिर बस खड़ी थी गाड़ी दिखा? नहीं, मिली मिली चलाने के लिए। अच्छा दर्शक, जैसा कि आप देखते हैं हमारे ट्रेनर सर शुरुआती समय पे हाथ पकड़ पकड़ गाड़ी चलाना सिखाते हैं। आइए नौशाद जी से पूछते हैं कि इनको भी हाथ पकड़ के गाड़ी चलाना सिखाया गया या नहीं सिखाया गया? हाथ पकड़ सिखाया गया। ऐसा नहीं कि ना गाड़ी छोड़ दिया जाओगे जैसे चला लो? हाथ पकड़ के सिखाया गया सर, बतला भी बताते भी आपको। और जब सीख जाते हैं हमारे स्टूडेंट तो ऑपरेटर सर पूरी एक्सकवेटर दे देते हैं, खुद से ऑपरेट करते हैं, ऐसा मिला आपको? हाँ सर मिला। पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं नौशाद जी ही चला रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कंफर्म करा दूं कि ही चला रहे कि नहीं चला, आप चला रहे गाड़ी? जी सर मैं चला रहा हूँ। ये एक्सकवेटर जैसे आप नौशाद जी को चलाते हुए स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे ही आपको भी एक्सकवेटर गाड़ी मिल सकती है हाथ में, ताकि आप कॉन्फिडेंट ऑपरेटर बने और देश में जॉब लगे या विदेश में जॉब लगे, आराम से आप काम करके पैसा कमा सकते हैं, खुद को और अपने परिवार वालों को खुशियां दे सकते हैं, जो अभी तक पैसे के अभाव के कारण नहीं दे पा रहे। जो दर्शक आपको बिहार में, यूपी में, झारखंड में देखेंगे, पूरे देश में देखेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वेलफेयर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, यहाँ पर आकर के अपना कोर्स कीजिए, यहाँ पर डायग्राम और बहुत सारे चीज बतलाया जाता है, तरीके से पढ़ाया जाता है, सिस्टम से पढ़ाया जाता है, ना? हाँ सर। ओके। तो दर्शक, काम सीखने से ही काम मिलता है, और हमारे पास में अगर आप एक्सकवेटर यानी पोकलैंड सीखते हैं या मोबाइल क्रेन सीखते हैं तो रहना तो फ्री है ही, साथ ही साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी है। मुझे भी जब जब वक्त मिलता है तो मैं एक्सकवेटर के बारे, क्रेन के बारे सेफ्टी बताता हूँ कि आप सेफली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी दुर्घटना का, बिना किसी एक्सीडेंट का। मैंने भी आपको पढ़ाया है ना सेफ्टी? जी सर। तो नौशाद जी, आपको बहुत सारे दवाओं के साथ ये सर्टिफिकेट, आप कामयाब रहें, खुश रहें, तरक्की करें। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम नौशाद। नौशाद की दर्शकों को बताइए, हमारे जितने भी इम्प्लाइज हैं उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरह से हम लोग को कोऑपरेट करते हैं आपको, है ना? हाँ। तो दर्शक को आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं यहाँ से खुशी खुशी घर जा रहा हूँ अपना सर्टिफिकेट लेकर के। आप लोग यहाँ पे आइए, अपना भविष्य बनाइए। तो फ्रेंड, चलते चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं और नौशाद साहब भी, देश के हित के लिए, बेरोजगार युवाओं के हित, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए, बड़े बड़े व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए, जितने भी सोशल मीडिया जानते हैं उसमें शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग काम सीखे, सभी काम पे लगे, हमारे देश भारत से बेरोजगारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।